मित्रों, आप सबका इस प्रेस वार्ता में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबका नया वर्ष मंगलमय हो। एक अंग्रेजी की कहावत है जिसका मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं कि अगर आप अतीत से झगड़ा खोल लें तो आप वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। इट सेज दैट इफ यू ओपन अ क्वारल विद द पास्ट यू लूज द प्रेजेंट इन द फ्यूचर। और पिछले 55 महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भाजपा की सरकार ने ठीक यही किया है। आज प्रधानमंत्री ने अपना भाषण इस बात से आरंभ किया कि काश सरदार पटेल अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। पर प्रधानमंत्री एक चीज भूल गए या शायद जान के भूलना चाहते हैं कि सरदार पटेल पंडित नेहरू के और तमाम उन नेताओं के सहयोगी थे जिन्होंने भारत की आजादी की जंग लड़ी थी। और सरदार पटेल कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता थे और वो उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में ना हिस्सा लिया और अंग्रेजों से माफीनामा लिख लिख कर अपनी जान छुड़ाई। तो जब भारत के प्रधानमंत्री इतिहास का वर्णन करते हैं तो ये उम्मीद रखी जाती है कि इतिहास के परिपेक्ष को वो लोगों की के समक्ष ठीक तरह से प्रस्तुत करें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भाजपा के साथ है वो इनका मानना है कि भारत का इतिहास 26 मई 2014 को शुरू होता है। 26 मई 2014 से पहले ना तो भारत में कोई विकास हुआ ना भारत की कोई उपलब्धि रही और ना ही भारत में किसी तरह की तरक्की हुई। इस मुल्क में जो हुआ वो पिछले 55 महीनों में हुआ और शायद इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ी मिथ्या, इससे बड़ा असत्य और कोई हो नहीं सकता। आज 55 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास की का जिक्र किया। 55 महीने के बाद
शायद पहली बार देश को सबका साथ सबका विकास ये जुमला दोबारा सुनने का मौका नहीं मौका मिला। पर उन्होंने अच्छे दिन का जिक्र नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि अच्छे दिन का जिक्र क्यों नहीं किया? वो ऐसा हो जाता जैसे जले के ऊपर नमक छिड़कना। पिछले 55 महीने का जो सत्य है और प्रधानमंत्री जी से माय अपोलॉजीज ये उम्मीद थी कि इन विषयों के ऊपर वो बात करेंगे, पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द सुनाई नहीं दिया। हम उनसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपका यह मानना था कि आपकी सरकार की पिछले 55 महीनों में अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि रही है तो वो नोटबंदी है, डीमोनेटाइजेशन। अगर पिछले 70 वर्ष में किसी सरकार ने 124 करोड़ भारतीयों को एक साथ प्रताड़ित किया हो तो वो नोटबंदी या नोट बदली या डीमोनेटाइजेशन का वो दौर था। अगर प्रधानमंत्री जी ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो आपके 80 मिनट के भाषण में उसका एक बार भी जिक्र क्यों नहीं हुआ? अगर आपका मानना था कि उस कदम से आतंकी फाइनेंस के ऊपर प्रतिबंध लगा, काला धन इस देश से आलोप हो गया और सारी व्यवस्था पारदर्शित हो गई, तो एक बार भी आपने डीमोनेटाइजेशन का जिक्र क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप लोगों को याद हो, शायद 70 वर्ष में पहली बार इस देश में कभी कर लगाने को भी, जनता के ऊपर कर लगाने को भी एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया गया था, जिस दिन जीएसटी लागू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जी, अगर ये जीएसटी, जिसे लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, आपकी सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो उस जीएसटी का जिक्र एक बार भी आपने अपने वक्तव्य में क्यों नहीं? तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था हर वर्ष। 55 महीनों में 10 करोड़ नौकरियां बनती हैं। पिछले एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। महिलाएं, युवा बेरोजगार हो गए। उन 10 करोड़ नौकरियों के वायदे का जिक्र आपके भाषण में एक बार भी क्यों नहीं हुआ? आपने भारत के किसानों की बात की, आपने भारत के किसानों के दर्द की बात की, तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील थी तो
तो दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हर प्रदेश में आज भी किसान आंदोलन क्यों चल रहे हैं? किसान सड़क पे क्यों है? किसान को उसकी फसल का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा? क्यों किसान अपनी फसल बेचकर उसकी जो राशि मिलती है उसके चेक लिख लिख के प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्यों भेज रहे हैं? इन सवालों का जवाब देश की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना सुनना चाहती थी। अब आप अगर आंतरिक सुरक्षा को ले लीजिए, देश के रक्षा मंत्री ने उस मंच से एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य दिया कि पिछले 55 महीनों में भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर भारत में पिछले 55 महीनों में कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ ही नहीं तो फिर आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या उरी का हमला जिसमें भारत के जवान शहीद हो गए, क्या बड़ा आतंकी हमला नहीं था? क्या गुरदासपुर का हमला, पठानकोट का हमला, जो भारत के हवाई ठिकाने पर हमला किया गया, क्या वो बड़े आतंकी हमले नहीं थे? दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कश्मीर की जो हालत हुई है, जम्मू कश्मीर की जो हालत हुई है प्रधानमंत्री जी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार पिछले 2 वर्ष से अनंतनाग का लोकसभा का उपचुनाव नहीं करवा पाई, और जो उपचुनाव हुआ भी था उस उपचुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 2014 में जो 64% थी वो गिर के 4% रह गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगला सवाल, प्रधानमंत्री जी वो नागालैंड करार का क्या हुआ? वो नागालैंड का करार कहां गया? आपको याद होगा कि बहुत ही एक भव्य तरीके से इस नागालैंड करार की घोषणा की गई थी। आज 5 वर्ष हो गए, उस नागालैंड करार का क्या हुआ? कोई अता पता है उसका? इसी तरह से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर ले लीजिए तो प्रधानमंत्री जी आप 55 महीने के बाद क्या इस देश को यह बताने की कृपालता करेंगे कि आपकी सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति क्या है? पिछले 55 महीने में तो देश को समझ आया नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की कूटनीति और खुद आपका मजाक उड़ाते हैं, उसका भारत सरकार या भाजपा की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जाता? पिछले शायद 70 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी मुल्क ने भारत की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको इस तरह से ललकारा हो।
प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों हुआ है 70 साल बाद कि रूस, जो भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र माना जाता था, वो आज पाकिस्तान को हथियार क्यों बेच रहा है? इसके ऊपर आपका वक्तव्य देश सुनना चाहता था। आपने संस्थाओं की बात की, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी संस्थाओं की इज्जत नहीं करती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में दो दो आरबीआई के जो मुखिया थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अगर आप संस्थाओं की इतनी इज्जत करते थे तो एक नहीं, दो दो आरबीआई के मुखियाओं ने इस्तीफा क्यों दिया? सीबीआई के बारे में बहुत विस्तृत तौर पर मेरे सहयोगी अभिषेक जी ने आपको सुबह बताया है, पर आज जो जस्टिस एके पटनायक ने कहा है, तो उसके बाद क्या प्रधानमंत्री जी आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि इस बात पे आप स्पष्टीकरण दें कि इतने आनन फानन में सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जब जस्टिस एके पटनायक का यह मानना है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित ही नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी आपका यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप देश को बताएं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि 31 जनवरी 2019 तक भी आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर आपने क्यों रहने नहीं दिया? आपने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई से डरती है, कि विपक्षों की सरकारों ने सीबीआई का अपने प्रदेशों में आना बंद कर दिया, पर जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो उसका जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तो संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक द्वेष के लिए नहीं किया जाता था, और जब से आपकी सरकार बनी है, संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक द्वेष के लिए ही किया जाता है। ये फर्क है एनडीए और भाजपा की सरकार में। चाहे राज्यपाल हो, उनका दुरुपयोग किया गया, विपक्ष की सरकारों को गिराया गया, देश की का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, और शायद जितना आज देश बटा हुआ है, पिछले 70 वर्ष में कभी इस तरह की हालत नहीं थी। तो इसलिए वो एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने मजबूत सरकार और मजबूर सरकार की बात की। आपका यह मानना है कि आपकी सरकार मजबूत है और जो गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें मजबूर सरकारें होती हैं। तो हम आपसे बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी और बहुत जिम्मेदारी से ये पूछना चाहते हैं, क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
मजबूर सरकार थी कि मजबूत सरकार थी। आप यूपीए की बात छोड़ दीजिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक गठबंधन की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी, देश ये जानना चाहता है कि क्या ये मजबूत सरकार थी कि मजबूर सरकार थी। आपने भ्रष्टाचार की बात की, कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, पर रफेल के ऊपर प्रधानमंत्री जी खाली बोरी और भरी बोरी के अलावा, खाली बोरी और भरी बोरी के अलावा आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपका यह मानना है कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को समझता है कि खाली बोरी का दाम एक होता है और भरी बोरी का दाम दूसरा होता है। पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 10 अप्रैल 2015 को अगर भरी हुई बोरी का दाम 590 करोड़ था या 526 करोड़ था, तो 11 अप्रैल 2015 को उसी भरी बोरी का दाम 1600 करोड़ कैसे हो जाता है? तो सवाल खाली बोरी और भरी बोरी का नहीं है, सवाल ये है कि दो भरी बोरियों के दाम में एक दिन में 1000 करोड़ रुपए का फर्क कैसे हो जाता है। यह सवाल है जिसका आपको देश के सामने जवाब देना चाहिए। और अंत में 2019 की लड़ाई मजबूत सरकार और मजबूर सरकार में नहीं है। 2019 की लड़ाई तानाशाही बनाम लोकतंत्र है। 2019 की लड़ाई भाषण बनाम प्रशासन है और 2019 की लड़ाई जुमला बनाम काम है। ये है 2019 की पृष्ठभूमि। आई वुड हैव रिपीटेड इट इन इंग्लिश बट एज यू सी आई एम इन नो कंडीशन टू डू सो, वील टेक इट अप ड्यूरिंग दी question and answer session. Thank you very much. The floor is all yours. देखिए दो, उसको अंग्रेजी में चाहिए, conclusion. See, 2019 is not a battle between a majboor sarkar and a majboot sarkar. It is a fight between dictatorship and democracy. It's a struggle between bhashan and prashasan. And it is going to be a test between jumlas qua a impeccable track record of service which the Congress has delivered over the years. Thank you. Look, as far as the alliance between the SP and BSP is concerned, our senior colleague, Mr. Ghulam Nabi Azad, would give a structured response to it tomorrow.
So you would have to await that response. Insofar as alliances are concerned, we've always believed that state-specific alliances, which further the progressive and the pluralistic ideal, which consolidate the liberal idea of India, are the way forward. And I think the space is open for that. go ahead. Sorry. देखिए मुझे मालूम है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि उसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाए. तो अब आपका हमारा 10 साल का साथ हो गया है. तो इसलिए मैं विनम्रता से आपसे विनती करता हूँ कि कल श्री गुलाम नबी आज़ाद, जो उत्तर प्रदेश का गठबंधन है, उसके ऊपर जो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, विस्तृत तरीके से आपके समक्ष उसको रखेंगे. देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये बात सही है कि एक संयोजित षड्यंत्र के तहत यूपीए की सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत अनर्गल आरोप लगाए गए. पर जब उन आरोपों को अदालत का सामना करना पड़ा, और 2G के परिपेक्ष में ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया था, तो अदालत में वो एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाए. तो इससे बड़ा प्रमाण एक संयोजित षड्यंत्र का यूपीए की सरकार के खिलाफ और कोई हो नहीं सकता कि मनगढ़ंत और बिल्कुल बेबुनियाद आंकड़े बहुत गैर जिम्मेदारी से एक संवैधानिक संस्था द्वारा सार्वजनिक किए गए थे. और जहां तक गठबंधन का सवाल है, उसका मैं आपको विस्तृत जवाब दे चुका हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ देखिए, बोफोर्स का जवाब भारत की अदालत ने दे दिया था. और बोफोर्स एक संयोजित षड्यंत्र था कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ. और जैसे हमने 2G के परिपेक्ष में कहा, बोफोर्स के परिपेक्ष में भी जब मामला अदालत के सामने गया, तो अदालत ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया. और तब की वाजपेयी सरकार, जो तत्कालीन एनडीए भाजपा की सरकार थी, वो इतनी क्षमता भी नहीं जुटा पाई कि उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील भी दायर कर दे. तो ये है बोफोर्स का सच. 2G का जो हशर हुआ, वो आपने पटियाला हाउस की अदालत में देखा. जिस जज ने फैसला लिखा, उसने कहा कि
मैं सुबह से लेकर शाम तक 2 साल अपनी अदालत में बैठा रहा, इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि कोई प्रमाण लेके आएगा, पर कोई भी प्रमाण मेरे सामने नहीं आया। यह हमारा कहना नहीं है। जिस न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को बरी किया था, ये उसके शब्द हैं। तो इसलिए हम षड्यंत्र की राजनीति नहीं करते, हम लोगों की भलाई की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि अगर आप 2004-05 के आंकड़े उठा के देखें, क्योंकि बाद के आंकड़ों के ऊपर तो दुनिया ने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, पता नहीं एनडीए के आंकड़े कितने सही हैं कितने फर्जी हैं, पर 2004-05 का आप जीडीपी का बेस ईयर उठा के देखिए, 7.8% साल बर साल 10 साल यूपीए की सरकार ने इस देश को की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, 19 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया। ये वो सत्य है जो कोई भाषण, कोई मिथ्या, कोई शब्दों का मायाजाल नहीं बदल सकता। और आज यही कारण है कि इस देश की जनता कांग्रेस की तरफ दोबारा से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।